Good morning, student. I am Miss Seema Patel. So today we'll see the topic that is mental disorders in the pregnancy. So we'll see how the mental disorders during the pregnancy time in the women affecting the health of the mother and the baby. Okay, so let's proceed towards the topic. So mental disorders affecting the whole family means how the mental disorders present in pregnant women can affecting the whole family. So mental disorders during the pregnancy and the postnatal period can have the serious consequences for the health and the well-being of a mother and her baby, as well as for her partner and own and other family members. Okay, means mental disorders agar hota hai agar kisi women mein during the pregnancy time or the during the postnatal period, to iska jo bhi bad result hai ya iska jo consequences hai wo sirf मदर या फिर बेबी के हेल्थ को ही अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि उसके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, दैट इज़ हर पार्टनर एंड अदर फैमिली मेंबर्स, ठीक है, सभी को वो अफेक्ट करता है. देन हाउ कैन द मेंटल हेल्थ बी अफेक्टेड बाय द प्रेगनेंसी, मींस प्रेगनेंसी के कारण किसी वुमेन का मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट होता है, इसको देखते हैं. ऑलरेडी हैविंग अ मेंटल इलनेस व्हेन दे गेट प्रेग्नेंट, मीन्स अगर वुमेन में ऑलरेडी किसी भी टाइप का मेंटल इलनेस है, लाइक द डिप्रेशन, मेनिया, सिजोफ्रेनिया, एंजाइटी और स्ट्रेस, तो दिस कैन ऑल्सो कॉज द कॉम्प्लिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कंडीशन एंड हैव हैड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द पास्ट. अगर वुमेन को कोई भी हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री, कि इसको किसी भी टाइप का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हुआ होगा, जैसे वुमेन हु स्टॉप द मेडिकेशन व्हेन दे गेट प्रेग्नेंट हैव अ हाई रिस्क ऑफ गेटिंग इल अगेन, लाइक 7 out of 10 women who have stopped the antidepressant in early pregnancy become the unwell again. मतलब अगर कोई वुमेन जो है, अगर प्रीवियसली उसको किसी भी टाइप का एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन चल रहा है या कोई भी एंटी साइकोटिक ड्रग्स चल रहा है, अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद अर्ली प्रेगनेंसी में स्टॉप कर देती है, तो उसका जो है इफेक्ट वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम पे फिर से होने का चांसेस रहता है. ठीक है, मतलब फिर से उसमें मेंटल इलनेस कॉज हो सकता है. ठीक है, और ये मेनली 7 out of every 10 वुमेन जो स्टॉप कर देती हैं एंटी डिप्रेशन ड्रग, तो इनमें ये पाया गया है. एंड हैविंग द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्रेगनेंसी. ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम ही स्टार्ट होता है. देन व्हेन कैन इट हैपन, ठीक है, मतलब मेंटल डिसऑर्डर्स कब हो सकता है. फर्स्ट इज प्रीकॉन्सेप्शन, मीन्स बिफोर द कंसीविंग ऑफ द बेबी, देन ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड एंड ड्यूरिंग द पोस्टनेटल पीरियड, दैट इज नोन एज द पोस्टपार्टम ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड द पोस्टपार्टम साइकोसिस. देन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग फॉर द हाई रिस्क पेशेंट शुड बी एट ऑल टाइम. ठीक है, जो ऐसे पेशेंट जिनमें अगर मेंटल डिसऑर्डर्स है किसी भी वुमेन में, तो ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क कंडीशन होता है, क्योंकि ये अफेक्ट करता है टू द हेल्थ ऑफ द मदर एंड टू द हेल्थ ऑफ द बेबी आल्सो. सो फॉर दैट रीज़न द नर्सेस शुड हैव टू मेंटेन द कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द मदर एंड द बेबी. देन द रिस्क फैक्टर ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर्स, सो प्रायर हिस्ट्री ऑफ डिसऑर्डर means the women having any kind of previous history or past history related to mental illness. ठीक है, जैसे अगर depression हुआ होगा किसी को, या बहुत ज़्यादा stress है या anxiety है, तो वो lead कर सकता है कि during the pregnancy time किसी भी type का mental disorders हो सकता है. Then second is trauma. अगर किसी type का mental trauma है, जैसे death of the loved one, ठीक है, family में किसी का death हो गया है, या फिर post traumatic stress disorders भी होता है, and प्रेगनेंसी, बर्थ कॉम्प्लिकेशंस एंड दी मिसकैरेज, मतलब ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर हुआ होगा प्रीवियसली, या बर्थ के टाइम पे किसी भी टाइप का कॉम्प्लिकेशंस हुआ होगा, एंड देन मिसकैरेज, मतलब बार बार अगर एबॉर्शंस हुआ है, तो ये सारे कंडीशंस जो है वो मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं वुमेन के. देन STDs, that means sexually transmitted disease and the HIV. अगर किसी को इस kind of disease है, तो वो direct mental health को affect करता है. And extremes of age, that means if the women's age is more than 35 years or more than 40 years, so it will also lead to the mental illness in the women during the pregnancy time. And then social status, social status, that means कई सारे ऐसे वुमेन्स होती हैं जिनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा लो रहता है, तो वो भी अफेक्ट करता है मेंटल हेल्थ को, क्योंकि उनको
बहुत ज़्यादा ये टेंशन या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा कि कैसे हम इन फ्यूचर बेबी का केयर कर पाएंगे, उसका रेयरिंग केयरिंग प्रॉपरली कर पाएंगे या नहीं. सो दैट विल लीड टू द मेंटल इलनेस एंड देन सब्सटेंस एब्यूज. अगर वीमेन किसी भी टाइप का सब्सटेंस एब्यूज़ कर रही है, लाइक दी कोकेन ड्रग्स है, ठीक है, या फिर सेडेटिव ड्रग्स ले रही है, नारकोटिक ले रही है, या ड्रिंकिंग या स्मोकिंग भी कर रही है, तो वो भी अफेक्ट करता है मेंटल हेल्थ ऑफ द वीमेन. ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि लीड करते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी. देन नेक्स्ट वील सी मेंटल डिसऑर्डर्स. मेंटल डिसऑर्डर्स और मेंटल इलनेस इज अ साइकोलॉजिकल और द बिहेवियरल पैटर्न दैट अकर्स इन अ इंडिविजुअल एंड इज थॉट टू कॉज डिस्ट्रेस और डिसेबिलिटीज दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल डेवलपमेंट और द कल्चर. ठीक है, मतलब मेंटल डिसऑर्डर्स और जो मेंटल इलनेस होता है, ठीक है, वो एक वन काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल पैटर्न भी होता है. ठीक है, जो कि इंडिविजुअल में क्या लीड करता है, उसमें किसी भी टाइप का डिस्ट्रेस या फिर डिसेबिलिटीज कॉज कर सकता है, जो कि उसके नॉर्मल डेवलपमेंट या फिर कल्चर में जनरली ऐसा नहीं होता है. बट एनी काइंड ऑफ अगर मेंटल डिसऑर्डर्स है तो उसके साइकोलॉजिकल कंडीशन और उसके बिहेवियरल पैटर्न दोनों को जो है टोटली अफेक्ट करता है. Then there are five types of mental disorders. So first is anxiety disorders. In the anxiety disorder, first is phobia, generalized anxiety disorders, social anxiety disorders, panic disorders, agoraphobia, obsessive compulsive disorders, and post-traumatic stress disorders. And second is the mood and bipolar disorders. In that, major depressive disorders, dysthymia, bipolar disorders. Then third is the personality disorders and fourth is psychotic disorders. Under the psychotic disorders, first is schizophrenia, then delusional disorder, schizoaffective disorder, then schizotype. Then last one is the eating disorders. Under the eating disorders, first is anorexia nervosa and then bulimia nervosa. So these all are the types of mental disorders which are affecting the pregnancy condition of the women. So we'll see one by one. So first is the depression. A mental disorder is characterized by episodes of all-encompassing low mood accompanied by low self-esteem and loss of interest or pleasure in normally enjoyable activities. ठीक है, तो डिप्रेशन एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर्स होता है जिसमें बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं, जैसे लो मूड रहता है पर्सन का, या फिर सेल्फ इस्टीम भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, और ना ही नो समटाइम्स नॉट इंटरेस्टेड इन दी प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ इन नॉर्मल एंजॉयबल एक्टिविटीज़. ठीक है, तो इसी कंडीशन को बोला जाता है डिप्रेशन. Then, although up to 70% of women report some negative mood symptoms during the pregnancy, the prevalence of women who meet the diagnostic criteria for depression has been shown to be between 13.6% at 32 weeks gestation and 17% at 35 to 36 weeks of gestation. ठीक है, मतलब 70% women का जब report देखा गया, ठीक है, तो some negative symptoms भी find out हुआ during the pregnancy time, जिसमें जो है depression के जो कुछ symptoms थे, negative symptoms, वो जो है 13.6% दिखा है during the 32 weeks of gestation में, and 17% जो है negative symptoms present था between the 35 to 36 week of gestation. एंड पीक थ्रू द फर्स्ट एंड थर्ड ट्रेमेस्टर, मीन्स द डिप्रेशन के जो भी नेगेटिव सिम्टम्स हैं, नेगेटिव मूड सिम्टम्स हैं, वो पीक लेवल पे कब पहुंच रहा था, ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड ट्रेमेस्टर. देन डिप्रेशन दैट इज लेफ्ट अनट्रीटेड इन प्रेगनेंसी आइदर बिकॉज सिम्टम्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड और बिकॉज ऑफ कंसर्न्स रिगार्डिंग द इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन कैन लीड टू अ होस्ट ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज including the lack of compliance with the prenatal care recommendation, then poor nutrition, self-care, self-medication, alcohol and drugs use, suicidal thoughts and thoughts of harming the fetus and the development of the postpartum depression after the baby is born. मतलब कि अगर डिप्रेशन का कंडीशन है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम किसी वेमेन में, अगर हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, लेफ्ट अनट्रीटेड, ओके, तो ये क्या करता है, आइदर बिकॉज ऑफ आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब समटाइम्स हमको प्रॉपरली सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है, ठीक है,
या फिर समटाइम्स जो जो भी ड्रग्स प्रोवाइड किया जाता है फॉर ट्रीटिंग द डिप्रेशन, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसके कारण क्या हो सकता है, कैन लीड टू अ होस्ट ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब बहुत ज़्यादा इसके बैड रिजल्ट्स आ सकते हैं। जैसे क्या होगा, प्रीनेटल केयर प्रॉपरली नहीं कर पाएंगी, नहीं खुद का प्रॉपरली न्यूट्रिशन ले पाएंगी, सेल्फ केयर भी नहीं कर पाएंगी वुमेन, एंड सेल्फ मेडिकेशन भी नहीं ले पाएंगी, एंड अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज स्टार्ट कर देंगी, और बहुत बार उनके माइंड में सुसाइडल थॉट्स आएंगे और थॉट्स ऑफ दी हार्मिंग दी फीटस, ठीक है, अपने फीटस को हार्म पहुंचाना चाहेंगे, एंड डेवलपमेंट ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। समटाइम्स अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर हम डिप्रेशन के कंडीशन को ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो आगे चल के पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी कॉज कर सकता है आफ्टर दी बर्थ ऑफ दी बेबी। देन इफ हिस्ट्री ऑफ माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन, देन ग्रेजुअल विदड्रॉल ऑफ एंटी डिप्रेशंस एंड स्विच टू साइकोलॉजिकल थेरेपी, दैट इज CBT, CBT दैट मीन्स कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एंड IPT दैट मीन्स इंट्रापर्सनल साइकोथेरेपी, ठीक है। मतलब अगर किसी वुमेन में डिप्रेशन का जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा माइल्ड है या फिर मॉडरेट है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स को जो है विदड्रॉल करना है, किसी भी टाइप का एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स जो है नहीं देना है, सिर्फ उनको जो हम क्या देंगे, साइकोलॉजिकल थेरेपी, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी पर्सन का बिहेवियर जो रहता है उसको चेंज किया जाता है और स्ट्रेस को रिड्यूस किया जाता है। एंड सेकेंड जो होता है इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, ये मेनली जो है जो इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। देन सेकेंड इज इफ द हिस्ट्री ऑफ सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड्स और न्यू मॉडरेट और सीवियर एपिसोड्स, देन स्ट्रक्चर्ड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट एंड कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट इफ नो रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब अगर किसी वुमेन में जो है डिप्रेशन का सीवियर एपिसोड्स है या फिर न्यू मॉडरेट या फिर सीवियर एपिसोड्स है, तो उनको हम डायरेक्टली साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देंगे, जैसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है बाय दी साइकोलॉजिकल ओनली और बाय दी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ओनली, तो हम क्या करते हैं ऐसे कंडीशंस में उनको कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। एंड इन ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस पेशेंट कंसिडर द डिफरेंट सिंगल ड्रग और दी ECT, दैट इज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, बिफोर कंसिडरिंग दी कॉम्बिनेशन ड्रग ट्रीटमेंट, ठीक है। मतलब कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड देन एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स भी देते हैं, बट उसके थ्रू भी उनमें कोई भी इफेक्टिवनेस या फिर इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आता है, तो ऐसे पेशेंट को हम क्या देंगे, सिंगल ड्रग देते हैं या फिर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं, और समटाइम्स जो है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये सारे थे अबाउट दी डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स और दी डिप्रेशन। द नेक्स्ट वील सी द पैनिक डिसऑर्डर्स। पैनिक डिसऑर्डर्स इज एन एंजाइटी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रीअकरिंग दी सीवियर पैनिक अटैक्स, ठीक है। मतलब पैनिक डिसऑर्डर्स क्या होता है, वन काइंड ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स होता है, ठीक है, जिसके कारण अगर ये बार बार हो रहा है तो आगे लीड करता है सीवियर पैनिक अटैक। The course of panic disorders during the pregnancy is variable and remains the unclear. तो इसका जो कोर्स है या फिर जो अकरेंस है, ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर्स का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, वो वेरिएबल रहता है, मतलब डिफरेंट रहता है, कभी भी ये क्लियरली आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते कि वेदर इट इज़ पैनिक डिसऑर्डर और वेदर इट इज़ एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। एंड द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ एंजाइटी एंड पैनिक ऑन द कोर्स ऑफ द प्रेगनेंसी एंड द हेल्थ ऑफ द फीटस आर नॉट वेल अंडरस्टूड। मतलब अगर किसी भी टाइप का एंजाइटी या फिर पैनिक डिसऑर्डर्स है वुमेन में, तो वो कैसे अफेक्ट करता है टू दी हेल्थ ऑफ दी वुमेन एंड टू दी हेल्थ ऑफ दी बेबी, ये अभी तक जो है वेल अंडरस्टूड नहीं हो पाया है एक्चुअली वो क्या इफेक्ट कॉज करता है वो चीज़। एंड फर्स्ट ऑनसेट पैनिक डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज रिपोर्टेड, ठीक है, जो फर्स्ट स्टार्टिंग है पैनिक डिसऑर्डर्स का वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो है रिपोर्ट किया गया है। Then for the panic disorders, the non-pharmacological therapies, that is cognitive behavioral therapy, supportive psychotherapy, then relaxation techniques and sleep hygiene and dietary counseling should be considered before pharmacological therapies like the benzodiazepines and the antidepressant. मतलब अगर किसी वुमेन में पैनिक डिसऑर्डर्स है तो उसको हम बाय दी नॉन फार्मेकोलॉजिकल
ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसने एग्जांपल में दिया है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देंगे, सपोर्टिव साइकोथेरेपी या किसी भी टाइप का रिलैक्सेशन टेक्निक, स्लीप हाइजीन या डायट्री काउंसलिंग, ये सारा चीज़ करेंगे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दी एनी काइंड ऑफ फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जैसे बेंजोडाइजेपिन्स या फिर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। एंड इफ़ न्यू एपिसोड्स ऑफ पैनिक डिसऑर्डर्स देन पैरोक्सेटिन शुड नॉट बी स्टार्टेड एंड अ सेफर ड्रग शुड बी कंसिडर्ड। ठीक है, अगर मतलब न्यू एपिसोड आया है पैनिक डिसऑर्डर्स का तो पेशेंट को कभी भी हम पैरोक्सेटिन जो ड्रग्स होता है उसको हम कभी भी नहीं देते हैं, क्योंकि जो पैरोक्सेटिन जो ड्रग्स है वो वन काइंड ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है जो बिलोंग करता है फ्रॉम दी सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स ड्रग्स से। ठीक है, तो इसको कभी भी हम नहीं देते हैं, इससे ज़्यादा जो सेफ होता है एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स वो हम प्रोवाइड करते हैं। द नेक्स्ट इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स। नो डाटा ऑन द प्रेवलेंस और कोर्स ऑफ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स थ्रू दी प्रेगनेंसी। ठीक है, मतलब इसका कोई भी ऐसा कुछ डाटा या प्रेवलेंस नहीं मिला है एंजाइटी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स थ्रू दी प्रेगनेंसी। डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम दी नॉर्मल एंजाइटी ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। मतलब अगर वीमेन में इस टाइप का होता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट कि वेदर इट इज़ नॉर्मल एंजाइटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और वेदर इट इज़ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स। देन इफ ऑलरेडी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स स्विचिंग टू कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी शुड बी कंसिडर्ड। ठीक है, मतलब अगर वो पहले से ही ट्रीटमेंट ले रही है फॉर दी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स तो उनको हमको क्या प्रोवाइड करना है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये हमको बेसिकली प्रोवाइड करना चाहिए पेशेंट को विद दी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स।